बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ ईद स्पेशल में रस मलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रस मलाई आप इफ्तार में भी बना के रख सकते हैं या फिर ईद के मौके पर भी ट्राई कर सकते हैं। जी हाँ, आज से छोड़ दें आप ईद पर सेवैयां बनाना। इस रेसिपी को फॉलो करके इस ईद पर बनाइए ये रस मलाई। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत कम टाइम में बनके तैयार हो जाती है। काफी सारे लोगों को रस मलाई बनाने में मसला ये आता है कि उनकी जो रस मलाई है वो टूट जाती है, और काफी सारे लोगों को मसला ये भी आता है कि रस मलाई अंदर से हार्ड क्यों रह जाती है। तो आज इंशाल्लाह सभी राजों से पर्दा उठाया जाएगा। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना होगा और वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, बिना वक्त जाया किए रस मलाई की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रस मलाई को बनाने के लिए हमने यहाँ पर जो सबसे पहला काम करना है वो यहाँ पर हमने दूध को बॉयल करना है। यहाँ पर दूध को बॉयल करने के लिए गैस पे रख देंगे हम एक अदद कढ़ाई, और इसमें हम डालेंगे 1 kg। हमारे पास मिल्क है, कच्चा दूध है हमारे पास, आप लोग कोई सा भी दूध ऐड कर सकते हैं। आप लोग इसमें डिब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अब हम इसमें 1/2 कप पानी का ऐड करेंगे। आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि दूध थोड़ा सा गाढ़ा ही लेना है। फ्लेम को यहाँ पर हम ऑन करेंगे और इस दूध में अच्छी तरह से एक उबाल आने देंगे। ये ले जी, यहाँ पर आप देखिए कि दूध में काफी अच्छी तरह से उबाल आने लग चुका है। और अब हम इसमें कुछ बाकी की चीजें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले 3 अदद इलायची हैं सब्ज हमारे पास, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इलायचियों की खुशबू और फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है, अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप मत ऐड करिएगा। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप के बराबर हमारे पास चीनी है। चीनी आप अपने टेस्ट से कम ज्यादा कर सकते हैं, मुझे थोड़ी सी कम पसंद है इसलिए मैं कम ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट से कम ज्यादा इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर इस दूध को हमने अच्छी तरह से गाढ़ा कर लेना है। फ्लेम को मीडियम करके इसे हम अच्छी तरह से तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि दूध जो है वो जबरदस्त सा गाढ़ा हो जाए। इतने में दूध हमारा जो है वो गाढ़ा होता है, हम अपना अगला काम कर लेते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने ले रखा है लजीजा रस मलाई का 1 पैकेट। ये आपको किसी भी बड़े जनरल स्टोर से इजीली मिल जाएगा, कोई मसला नहीं है। मैं आप लोगों को इंस्टेंट रस मलाई की रेसिपी देने जा रही हूँ, तो ये जो ऑप्शन है ये बेस्ट है। अगर आप लोगों के पास खुश्क दूध पाउडर नहीं है तो आप लोग ये 1 पैकेट ले आएं और इजीली अपने घर पर लजीजा रस मलाई तैयार कर लें। और यहाँ पर हम पैक को ओपन करेंगे और 1 अदद हम बाउल लेंगे, और यहाँ पर इस मिक्सचर को हम बाउल में डालेंगे। और यहाँ पर ये जो मिक्सचर है ये आपका बहुत जबरदस्त तैयार होना चाहिए। इस पे आप लोगों ने अच्छी तरह से गौर करना है कि ये किस तरीके से तैयार किया जाता है। अगर ये मिक्सचर अच्छे से तैयार होगा तो रस मलाई बहुत जबरदस्त सी बनके तैयार होगी। पैकेट को हमने डाल दिया हुआ है बाउल में, और अब हम 1 अदद अंडा लेंगे। अंडे को हम यहाँ पर अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये ले जी, अंडे को हमने अच्छी तरह से फेंट लिया हुआ है, और अब हम इसमें 3 टेबलस्पून अंडा ऐड करेंगे। आपने सेम क्वांटिटी में अंडा ऐड करना है। ये देखिए 3 चम्मच हमने अंडा ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली बनके तैयार हो जाती है। आप लोगों के घर आए हो मेहमान तो तकरीबन सिर्फ इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे तैयार करने में। और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, और यहां पर हम इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अभी ये मिक्सचर थोड़ा सा हार्ड है, इसमें मजीद जरूरत पड़ी तो हम अंडा और ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने अंडा और ऐड किया है, मिक्स करेंगे। और आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि डो जो है वो बहुत सॉफ्ट बनके तैयार हो। अगर डो आप लोगों की हार्ड होगी तो ये जो रस मलाई है ये अंदर से बहुत हार्ड बनके तैयार होगी। ये देखिए माशाल्लाह से डो हमारी जो है वो जबरदस्त सी रेडी है, और आप देख सकते हैं ये कितनी सॉफ्ट बनके तैयार हुई है। और अब यहाँ पर हम इसकी बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। और अब हम यहाँ पर अपने हाथों पे लगाएंगे सबसे पहले कुकिंग ऑयल। ये मिक्सचर जो है ये हाथों पे चिपक जाता है, ऑयल लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और इतना सा हम मिक्सचर लेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ, बहुत ज्यादा बढ़िया आप लोगों ने बॉल नहीं बनानी है। इसको पहले हाथों में हम अच्छी तरह से दबाएंगे और
फिर हम इसे रोल करते हुए इसकी एक बॉल तैयार कर लेंगे। आप लोगों ने कोशिश यही करनी है कि बॉल्स में किसी भी किस्म के कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर कोई क्रैक्स होंगे तो जो रसमलाई है वो टूट जाएगी। ये देखिए इस तरह से एक बॉल बन के रेडी हो चुकी है। इसी तरह हम सारी कर लेते हैं और कोशिश आप लोगों ने यही करनी है, इन बॉल्स को काफी देर के लिए पड़ा नहीं रहने देना। और यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखिए कि दूध को हमने इतनी अच्छी तरीके से पका लिया हुआ है और आप देख सकते हैं दूध जो है वो हमारा हाफ रह चुका है। आप लोगों ने दूध को अच्छे से गाढ़ा कर लेना है। अगर दूध पतला होगा तो रसमलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब हमारे पास ये पिस्ते और बादाम है जिनको बारीक चॉप कर रखा है, वो हम इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो बॉल्स हमने तैयार करके रखी हुई थी, ये अभी आपको बिल्कुल छोटे साइज की लग रही है ना, और जैसे ये दूध में जाएंगी इनका जो साइज है वो काफी बड़ा होता जाएगा। ये देखिए वन बाय वन आप लोगों ने इसे डालते जाना है। और इसी दौरान मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक इनाम होगा, हमारी हौसला अफजाई होगी कि हम काम बेहतर कर रहे हैं। और कोशिश किया करें वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ सके। और अब हमने यहाँ पर इसको कवर करके पकाना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और ये जो इसके अंदर हमने बॉल्स डाल रखी हैं ये खुद ब खुद ऊपर आने लग जाएंगी। और यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर आपने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। यहाँ पर 7 मिनट हो चुके हैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर किए हुए और अब हम इसे खोल के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉल जो है वो सारी ऊपर आने लग चुकी हैं और ये साइज में भी डबल हो चुकी हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। बहुत एहतियात के साथ आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है, नहीं तो ये जो बॉल्स हैं ये टूट भी जाया करती हैं। और इस पॉइंट पर आकर हम एक इस तरह की टूथपिक्स लेंगे और इसे अच्छी तरह से इसमें प्रेस करते जाएंगे ताकि ये जो दूध है ये इसके अंदर अच्छी तरह से चला जाए और ये अंदर तक अच्छे से गल जाए। और मजीद 7 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे कवर कर देंगे ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। यहाँ पर मजीद 7 मिनट हो चुके हैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर किए हुए और अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रसमलाई हमारी जो है वो कितनी जबरदस्त सी बन के तैयार हो चुकी है। दूध भी हमारा काफी हद तक गाढ़ा हो चुका है। फ्लेम को यहाँ पर हम ऑफ करते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं और चलते हैं फिर फाइनल लुक की तरफ। आप लोगों को तोड़ के दिखाते हैं कि ये अंदर से कितनी जबरदस्त सी बन के तैयार हुई है। तो ये लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शानदार सी इंस्टेंट रसमलाई की रेसिपी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। ये बहुत यमी बन के तैयार हुई है। आप लोग ईद के मौका पर इसे जरूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए कितने कम टाइम में कितनी शानदार सी रेसिपी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। इस मेथड को जरूर फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह आपकी रसमलाई बिल्कुल भी नहीं खराब होगी। ईद के मौका पर आप लोग इसे जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। और अब हम इसे डेकोरेट कर देंगे पिस्ता से। इसे मैंने तकरीबन 1 घंटा फ्रिज में रखा है। फ्रिज में रखने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत शानदार सा बन के तैयार होता है। आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखना है, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।